जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो सभी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे जो फायर हरियाणा फायर इमरजेंसी सर्विस है, ये गाड़ी होती है, इसका क्या महत्व है और ये इसको हम कब ये प्रयोग में लाई जाती है और इसके प्रयोग करने के क्या क्या उपाय होते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहना। तो हमारे साथ हैं पवन भाई। पवन जी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। पवन जी फायर से, पवन जी पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम पवन कुमार है, फायर स्टेशन में करियर, लीडिंग फायरमैन मेरी पोस्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं ये फायर टेंडर है, संभाल फायर टेंडर। और जब हम मान लो कहीं पे रास्ते में जा रहे होते हैं, हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें रास्ते में कोई ट्रक वगैरह है, कोई स्कूल बस वगैरह है, या कोई वैसे कोई ऑटो वगैरह है, तो हमें जाने में कई बार अग्नि दुर्घटना के समय में पहुंचने में काफ़ी कठिनाई होती है। और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जैसे ये इमरजेंसी सर्विस है, ये ऐसे कभी दूध लेने, चाय पीने या इस तरह के कोई भी काम करने के लिए रोड के ऊपर नहीं निकलती। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए और हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि भी देखना चाहिए अगर कहीं पे साइन सुनाई दे रहा है या दिखाई देते हैं, उन लोगों को रास्ता देना चाहिए। क्योंकि ये कहीं पे जाती है तो जान माल को बचाने के लिए ही रोड पे निकलती है। तो इसके बारे में जैसे हम गाड़ी के बारे में जैसे बताएंगे, जैसे धरदार साहब ने बताया कि बहुत बढ़िया एक मुहिम धरदार साहब ने चलाई है ये, और इसके बारे में और जनता को मान लो हमेशा इसके लिए सहयोग के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे ये हमारी फायर टेंडर है, इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी देंगे अपनी। देखो जैसे पवन भाई साहब ने बताया, जब हमारी जो इमरजेंसी से फायर गाड़ी निकलती है ना, ये बिल्कुल सही बात है, ये ड्यूटी पे ही निकलती है, वैसे नहीं निकलती। और इसमें जो ना ड्यूटी लगती है, स्टैंड टू होते हैं जिसपे दो या तीन बंदे, जिनकी ड्यूटी दो होती है, ठीक है, एक ड्राइवर होता है, एक इसको ऑपरेट करने वाला था, इनकी 24 घंटे ड्यूटी होती है। और ये 24 घंटे इतने अलर्ट होते हैं, इतने अलर्ट होते हैं, अगर एक सेकंड में कॉल आती है तो ये समझोगे आधी सेकंड में उठ के भाग लेते हैं ये, क्योंकि बहुत इमरजेंसी है। और हम गलती क्या करते हैं, जैसे फायर इमरजेंसी गाड़ी जा रही है और हम अपने वाहन को आगे ले रहे हैं, जैसे कोई बहुत सारे लोग देखे मैंने कान के फोन लगा लेते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं इसी हैं जो हॉर्न बजाते रहे, ध्यान नहीं रखते। तो भाई जब भी एम्बुलेंस का हुआ या फायर ब्रिगेड का सायरन बजता है तो सबसे पहले आपका ड्यूटी भी बनती है, आपका नैतिकता भी बनती है, और एक जिम्मेवार नागरिक होने का कारण आप सबसे पहले इनको साइड दें, एमरजेंसी सर्विस को साइड दें। अन्यथा अगर आप नहीं भी देते हैं तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसका जुर्माना है भाई 10,000 रुपये जुर्माना है अगर आपके आप चालान कर दिया जाए या आपको लेट की जाए। मान लीजिए जैसे ये भाई चला रहे गाड़ी और आपको गाड़ी अगर चला रहा है, इन्होंने फोटो उतार के हमारे पास भेज दिया, तो आपको 10,000 रुपया जुर्माना भी और सजा भी हो सकती है। तो इसमें हम और चीज़ दिखाएंगे, अब कौन भाई बताएंगे, जैसे फायर के जो सिलेंडर होते हैं ना, आग लगने पर कैसे उसको यूज किया जाता है और कैसे उसको जो है खोल कर देखा जाता है। आओ कौन जिंद्र आओ, देखिए ये जो फायर के सिलेंडर है, देखा आगे लो सर आगे लो, ये जो फायर के सिलेंडर है इनका यूज करने का जो तरीका होता है वो बताएंगे हम। पवन जी जैसे ये सबसे पहले ये देखो आगे लो, ये है फायर एक्सटिंग्विशर CO2 टाइप, जो इसकी ये पिन दिखाई दे रही है आपको, ये बोलते हैं सेफ्टी पिन। इसको बाहर निकालेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिसके बाद जो ये हमारा डिस्चार्ज हॉर्न है तो इसके यहाँ से CO2 गैस निकलती है, क्योंकि ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। और इसको मान लो कभी किसी को यूज भी करना पड़ जाए या किसी को बताना पड़ जाए या कहीं पे कोई आग लग जाए और ये रखा है तो चलाने का मतलब किसी को ज्ञान नहीं है, तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे ये है इसका सेफ्टी पॉइंट, यहाँ से पकड़ना पड़ेगा ये, क्योंकि अगर यहाँ से पीछे से या आगे से पकड़ेंगे तो CO2 गैस है ये ठंडी होती है, तो हाथ को मतलब ऐसे हालात पे कर देगी कि हाथ भी कटने की नौबत आ जाती है कई बार। तो इस वजह से इसका सेफ्टी पॉइंट बना गया है ये, तो यहाँ से पकड़ के ही यूज करना है आपको। तो जैसे आग की तरफ इसको करने के बाद यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, तो इसी वजह से मतलब ये सेफ्टी पॉइंट सबसे अहम ध्यान रखने योग्य बातें हैं।
तो ये चलाने की इसकी विधि है और ये सेफ्टी पिन जैसे हमने वापस इसको डाल रहे हैं कि भाई ये आगे मतलब खराब ना हो, क्योंकि ये निकल भी जाती है गैस कई बार। ये हमारा जैसे ड्राई केमिकल पाउडर है DCP ABC टाइप है जैसे ये, तो इसके अंदर जैसे ड्राई केमिकल पाउडर होता है इसी की भी ये सेफ्टी पिन है। इसको निकालने के बाद और इसको पंच करना पड़ेगा, इसको दबाना पड़ेगा। ये दबने के बाद इसके अंदर से ड्राई केमिकल पाउडर बाहर निकलेगा और आग की तरफ इसका मुंह करके इसको आग बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। ये हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर थे, तो इसकी जानकारी लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रखे होना और प्रयोग करने के बारे में जानकारी होना अलग बात है, तो प्रयोग करने की विधि भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो दोस्तों जैसे कि पवन भाई ने ये बताया, पवन भाई नीचे आ जाओ, और मैं जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो प्रत्येक गाड़ी के अंदर ये फायर का जो ना इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन हमारे अपने इंडिया में बहुत कम लोग लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लगाते भी हैं, गाड़ी में रखते हैं। तो आप अपनी गाड़ी में भी ज़रूर रखें, पता नहीं इमरजेंसी कहाँ किस समय किस कहाँ पर हो जाए। गाड़ियों में भी बहुत आग लगती है, वैसे रास्ता में कोई और कोई प्रॉब्लम आ जाए, हादसे हो, अगर आपके पास फायर इंस्ट्रूमेंट है तो हमारे काम ही आएगा, वो कहीं ना कहीं किसी मदद होगी। उसके बाद देखो इसके अंदर ब्रांच फिट करके और आग के ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो देखा मैं, जैसे आप जब इस टाइम ड्यूटी पे होते हो कहीं आग लगी बड़ी बिल्डिंग में, तो आप लोगों की जो है जान जाने का भी खतरा रहता हुआ जी? बिल्कुल, हमारा जो क्या है कि जैसे हमें भी कई बार ऐसी उसका दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है कि भाई लोग तो जो आग लगी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर आग बुझाने के लिए अंदर एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि हमें अगर हम भी वहाँ से बाहर जाएंगे तो लोगों की जनता की रक्षा कौन करेगा? तो ये ज़रूरी है कि भाई हमें अपनी जान के ऊपर जोखिम डाल के दूसरों की सेवा करना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। कोई भी जनता है तो उसको हमें यही एक निर्देश देना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाई प्रत्येक आदमी अगर कहीं पे किसी के पास या किसी गाड़ी में या किसी मकान में या किसी भी चीज़ में कोई आग लगती है तो उसकी सहायता करे, उससे दूर ना भागे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है भाई ने। देखो ये भाई का जो फर्ज है, ड्यूटी है, उससे भी अलग ही हटके ये लोग, बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग है, छोटा बच्चा है, या भाई कोई जैसे कई बार डोगी को भी बचाते हो, मैंने देखा है, अगर डोगी अंदर फंस रहा तो उसको भी आप लोगों ने बचाया है। तो ये इनका फायर के मैं तो सलूट करता हूँ भाई आपको, कौन भाई आप लोग इतनी मेहनत से इतनी अच्छी ड्यूटी करते हो, बहुत ही बड़ी बात है भाई। और आम जनता से भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, ऐसे हमारे देश के योद्धाओं की जो ना इज्जत करो भाई, सम्मान करो। अगर फायर की गाड़ी या एम्बुलेंस की गाड़ी कहीं जाती है तो उसको साइड दो, इनका सम्मान करो। ये भी ये समझ लो जिस प्रकार से हमारे देश के आर्मी के जवान होते हैं, फौजी भाई होते हैं, ऐसे ही भाई ये भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे जो भी किसी प्रकार की फायर संबंधित प्रॉब्लम आती है तो ये लोग अपनी जान पर को ना देखते हुए अगले ही जान बचाते हैं। इसलिए तो मैं तो भाई का बहुत बहुत ये करता हूँ भाई, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हो, बहुत बढ़िया फोन भाई। मैं एक इसके साथ साथ एक माननीय मुख्यमंत्री लोहा साहब से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसे फायर सर्विस भी एक एमरजेंसी सर्विस है, ये भी अपनी जान के ऊपर डाल के आग को बुझाते हैं या कहीं सीवर से रेस्क्यू करते हैं, कहीं जहरीली गैस में भी रेस्क्यू करते हैं, जहरीली गैस में भी आग को बुझाते हैं। ऐसा वातावरण भी होता है जहाँ पे हमें सांस लेने में भी कठिनाई आती है, लेकिन वहाँ पे भी हमें मतलब उसके अंदर बाहर न भाग कर उसके अंदर भी हम अपना काम करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को हमारे साहब को जैसे रिस्क अलाउंस दिया गया है, उसी प्रकार फायर सर्विस को भी एक रिस्क अलाउंस देना मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको भी अपने बच्चे होते हैं, परिवार होता है, एक रिस्क अलाउंस की इनको ज़रूरत है, तो रिस्क की ड्यूटी है। तो इसको लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये लागू करने आकर्षित करें। धन्यवाद जी, बहुत 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 बढ़िया पवन सर भाई ने बहुत अच्छी बात कही। और भाई हमारे सरकार के इस वीडियो को माध्यम से
में हमारी वीडियो जाती है तो फायर के बारे में जरूर ध्यान दें सर, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों सावधान रहे, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।